हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ चैप्टर वन और मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन मैं डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैं बहुत सारी कंपनीज भी डिस्कस करूँगी क्योंकि उससे रिलेटेड टर्म आपको देखने को मिल सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नए जुड़ रहे हैं हमसे, हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, टोटल 13 क्लास हैं। और अगर आप DFCCIL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL भी मैंने कवर करा लिया है। लास्ट में एक और क्लास मैं लेने वाली हूँ जहाँ पर हम देखने वाले हैं करंट अफेयर रिलेटेड टू द रेलवे एंड DFCCIL। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं वो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप DFCCIL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खूब मन लगा करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पूरा मार्केटिंग मैं कंप्लीट कराऊंगी आप लोगों से, अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करूंगी। तो जैसा आप लोगों का रिस्पांस आया था CRM का, वैसा ही मुझे रिस्पांस मार्केटिंग में मिलना चाहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, ठीक है? तो अच्छे से देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर वन। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ MCQs क्वेश्चन जो ऑलरेडी आए हुए हैं 2018 OPBD के एग्जाम में, तो वहाँ पर हम लोगों ने बस देखा था। यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन भी हम दोबारा अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो PNG के प्रोडक्ट आई थिंक अब आप लोगों को थोड़े बहुत याद हो रहे होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट याद हो रहे होंगे। तो ऐसे ही डेली डेली जैसे आप कोलगेट लगाए, ब्रश किए, तो वहाँ पर क्या किए एक बार देख लिए उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। अगर आप सिंपल सा जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर देखिए जो वेरी फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है मार्केटिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल डिफाइन मार्केटिंग एज अ सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट। तो हम एडवर्टाइजिंग, तो ऐसा हम लोगों को लगता है सेलिंग मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि सेलिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों ही मार्केटिंग का पार्ट है, लेकिन मार्केटिंग और भी ज़्यादा वास्ट है, एक्सप्लेन किया जाता है सेलिंग के कंपेयर में। तो जब हम डिफरेंस देखेंगे सेलिंग और मार्केटिंग का, वहाँ पर मैं बताऊँगी। तो आजकल का देखिए जो सिनेरियो है, सिर्फ ये वो ऐसा नहीं है कि आपको क्या है, सिर्फ बेच दिए, प्रोडक्ट को बेच दिए, वो कहते हैं सेलिंग, ठीक है? बस बेच दिए। लेकिन मार्केटिंग क्या है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसका अच्छी तरीके से एनालिसिस करना, मार्केट को देखना, किसको कौन सी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है मार्केटिंग में। और यही चीज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी देखने को मिला था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर डिलाइट। तो इसीलिए ये देखिए ये एक लाइन लिखा हुआ है, टुडे मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट इन द ओल्ड सेंस ऑफ मेकिंग अ सेल टेलिंग एंड सेलिंग। पहले क्या होता था, सिर्फ प्रोडक्ट का बताया स्पेसिफिकेशन और बेच दिए उसको उसके बाद उस प्रोडक्ट का क्या हाल है, आने वाले समय में कैसी वारंटी है, कैसा सर्विस दे रहा है, उतना कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में, कॉम्पिटिटिव ज़माने में ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। पूरा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को ध्यान रखना होता है कंपनीज को, तो इसी को कहते हैं मार्केटिंग। तो सेलिंग क्या होता था, सेलिंग ऑकर्स ओनली आफ्टर अ प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड। पहले क्या होता था, अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, उसको बेच दिए, काम ख़त्म हो गया। लेकिन मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग स्टार्ट्स लॉन्ग बिफोर अ कंपनी हैज़ अ प्रोडक्ट। जब मार्केट में क्या होता है, आजकल मार्केटिंग कैसे की जाती है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसके बारे में ही पूरा, उसका पहले ही लॉन्च हुआ नहीं कि उसके पहले 2 महीने 3 महीने पहले से ही एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिए उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके जितना भी जानकारी दे सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट बन करके आया उसके बारे में फिर लोगों को अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल गया क्या स्पेसिफिकेशन है, तो इसे ही कहते हैं मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोई लेक्चर लॉन्च होएगा, मान लीजिए यूट्यूब में जिस भी टीचर का फेवरेट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई लेक्चर आने वाला है और उसके पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ करके उसका फ़ायदा उठा सके। तो इसे ही कहते हैं मार्केटिंग। यानी कि इन मार्केटिंग जो मैनेजर्स बैठे हुए होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो नीड को देखते हैं कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है, उसके बाद मेजर करते हैं देयर एक्सटेंट, कितने हद तक ज़रूरत है, ठीक है? फिर उसकी इंटेंसिटी देखते हैं कि हाँ सच में ज़रूरत है कि नहीं ये प्रोडक्ट का, तभी लॉन्च किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ एक
प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसका ज़रूरत है कि नहीं मार्केट में, ये देखेंगे कितने हद तक ज़रूरत है, कितने लोगों को ज़रूरत है, कितने एज ग्रुप वाले पीपल को ज़रूरत है, और उससे प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है मार्केट में तो उससे प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा कंपनी को, ये सब चीज़ें देखी जाती है मार्केटिंग में। तो ये पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये मार्केटिंग जो टर्म है वो हमेशा स्टार्ट होता है प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल के दौरान, यानी कि उसके मैन्युफैक्चरिंग से ले करके लास्ट उसके एक्सपायरी तक मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके बाद उसका टेस्टिंग की जाती है, फिर डिलीवरी की जाती है, मार्केट में लाया जाता है, कस्टमर उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका फिर सर्विस होता है, मान लीजिए कोई रिपेयरिंग हुआ तो उसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो पूरे लाइफ साइकिल के दौरान ये मार्केटिंग काम करता है। और इसमें फिर क्या होता है, जो मार्केटर्स हैं दे ट्राई टू फाइंड न्यू कस्टमर, फिर नए नए कस्टमर जुड़ते हैं, और जो पुराने कस्टमर हैं उनको जोड़ करके रखा जाता है, जो नए कस्टमर हैं उनको भी जोड़ करके रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस पता चल पाए और उसके बाद सेल हो पाए और फिर रिपीटेड परचेजिंग हो पाए। तो मैनेजिंग द रिपीटेड परफॉर्मेंस, तो इस तरीके के स्ट्रेटेजी को कहते हैं मार्केटिंग। आई थिंक कि अब आप लोगों को क्लियर हुआ मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं होता है, प्रोडक्ट को बेचना यानी कि वो सेलिंग कह सकते हैं, मार्केटिंग का ये पूरा डेफिनेशन है, समझ में आया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक डेफिनेशन दे दिया और उसके बाद तीन चार ऑप्शन दे दिए कि मार्केटिंग कहते हैं, सेलिंग कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं, या फिर प्रमोशन कहते हैं। तो इस तरीके का चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दे देगा, लेकिन आपको ये समझना है कि मार्केटिंग पूरा एक वास्ट सेंस में बताया जा रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब मार्केट क्या होता है, मार्केट अगर मैं सिंपल सेंस में कहूँ तो बाजार, ठीक है, बाजार होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा है कि जो मार्केट है एक ओरिजिनली मेन एक लैटिन वर्ड से आया, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। और कौन सा लैटिन वर्ड है इसका देख लीजिए, मार्केटस एक लैटिन वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है, विच मीन्स अ प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड, सिंपल एक जगह जहाँ पर बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, उस प्लेस को कहते हैं मार्केट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, मार्केट तो हमें पता है, बाजार को कहते हैं, क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अभी ठहरिए, मैं आप लोगों से और भी टर्म डिस्कस करूँगी कि कितने टाइप के मार्केट होते हैं, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक करिए, इस तरीके से मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिंपल से वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों से थोड़ा बहुत इधर उधर का भी क्वेश्चन आया तो अपने जनरल कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर लेमैन की भाषा में देखूँ तो मार्केट क्या है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वेयर द बायर एंड सेलर पर्सनली इंटरेक्ट एंड फाइनलाइज डील। तो एक लेमैन की भाषा है, नॉर्मल जनरल सेंस की मैं भाषा में बात करूँ तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ खरीदी और बिक्री की जाती है, इंटरेक्ट किया जाता है और डील को फाइनल किया जाता है। जैसे कि सब्जी मंडी में आप जाते हैं, या फिर फ्रूट मार्केट में जाते हैं, या फिर अनाज मंडी में जाते हैं, तो वहाँ पर बोल देता है मान लीजिए कि 50 रुपये किलो है, तो आप थोड़ा बहुत मोल भाव करते हैं, उसके बाद डील फाइनल करते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, इसे कहते हैं मार्केट, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट आप सब लोग जानते हैं, लेकिन टेक्निकल बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है। तो मार्केट का अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, और प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए ये एक आप लोगों को डायग्राम दिखेगा, इसमें आप लोगों को ये समझना है कि जैसे कोई मान लीजिए मार्केट तो एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री यानी कि कोई बिजनेस हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो मेनली सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स होंगे, ठीक है, जो बिक्री कर रहे हैं, ठीक है, जो बेच रहा है वो एक साइड में रहेंगे और जो खरीद रहा है वो एक साइड में रहेंगे। तो मार्केट हो गया, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं, खरीदी करने वाले हैं होते हैं। तो जो ये इंटरनल लूप दिख रहा है आप लोगों को, ये चार डायरेक्शन में देखिए फ्लो हो रहा है, जो ये पूरा मार्केटिंग है ये चार डायरेक्शन में हो रहा है। जो अंदर वाला इनर लूप आप लोगों को दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंडस्ट्री से प्रोडक्ट और सर्विस जा रही है मार्केट में, और वहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। देखिए ये गया प्रोडक्ट और सर्विस, इन्होंने दिया, सेल किया और उसके बदले इनको पैसे मिले, तो ये हो गया इनर लूप, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट और सर्विस
और मनी का आदान प्रदान हो रहा है इनर लूप में, जबकि आउटर लूप में क्या हो रहा है, देखिए आउटर लूप में एक तरफ से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन करेंगे तभी तो मार्केट का मार्केट में बेचा जा सकता है, प्रमोशन किया जा सकता है। तो यहाँ से फिर कम्युनिकेशन एक डायरेक्शन में जा रहा है और उससे इन्फॉर्मेशन एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो देखिए ये साइक्लिक है, जैसे कि मान लीजिए अगर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेस होते हैं, कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है तो मान लीजिए वो इंडस्ट्री हो गई, एजुकेशन इंडस्ट्री और मार्केट, यानी कि बायर जो स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं, जो परचेज करना चाहते हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में क्या हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन डीलिंग हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐप के थ्रू या फिर GDPD कोर्स के थ्रू सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली सर्विस क्या हो जाएगा, एजुकेशन, और प्रोडक्ट जो बुक वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे वो हो जाएगा, और उसके बदले आप क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं। तो खैर यहाँ पर तो फ्री वीडियो लेक्चर है, पैसे नहीं लगेंगे आप लोगों को, अच्छे से पढ़िए खूब मन लगा करके। तो ये हो गया एक तरफ प्रोडक्ट सर्विस एंड मनी, और दूसरी तरफ क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है, मेल के थ्रू हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है, और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन उनको देंगे। इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है फीडबैक वगैरह मांगते हैं, या फिर कोई भी आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है या लेनी है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस तरीके को हम कह सकते हैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री है, एजुकेशन मार्केट है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली बहुत सारे तरीके का एग्जांपल हो सकता है, कोई प्रोडक्ट का खरीदी बिक्री हो सकता है, समझ में आया। अब यही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए द सेलर एंड द बायर आर कनेक्टेड बाई 4 फ्लोस, जैसे कि मैंने बताया, प्रोडक्ट, सर्विस, मनी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये 4 तरीके से फ्लो हो रहा है यहाँ पर, और जो सेलर है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट सेल करेगा, सर्विस और कम्युनिकेशन टू द मार्केट, और उसको इन रिटर्न क्या होना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन एंड मनी, जो आप ऊपर देख रहे थे। जो इनर लूप है, इनर लूप क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर गुड। अंदर वाला क्या हो रहा था, प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे दे रहा है जो खरीद रहा है, और आउटर क्या है, आउटर मेनली एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आया ये चीज़। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, इनर लूप क्या एक्सप्लेन करता है, आउटर लूप क्या एक्सप्लेन करता है, इस तरीके से कोई भी MCQ क्वेश्चन वो बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने मार्केटिंग देखा, मार्केटिंग का वास्ट सेंस देखा, मार्केट देखा कि मार्केट क्या होता है, सिमिलरली बहुत तरीके का मार्केट होता है, और इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट विच डील्स विथ प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं होता है, सर्विसेज भी होती हैं, और बहुत सारे ऐसे मार्केट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कंज्यूमर मार्केट है। कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूम करता है, जो कंजम्पशन करता है प्रोडक्ट और सर्विस को, क्या करता है, यूज़ करता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर मार्केट। तो इन दिस मार्केट द कंज्यूमर ऑब्टेंड व्हाट दे नीड और वांट फॉर देयर फैमिली और फैमिली कंजम्पशन। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को 2 टर्म दिखाई दिया, नीड, वांट, डिमांड भी आपने सुना होगा। तो मेनली ये 3 चीज़ होती है, नीड होता है, वांट होता है, डिमांड होता है, जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो ये क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिमांड खुद के पर्सनल यूज़ के लिए भी होता है, या फिर फैमिली कंजम्पशन के लिए भी होता है, बहुत सारे जो दिनचर्या का नॉर्मली होता है चीज़ें, उसे कहते हैं कंज्यूमर मार्केट। अब ये जो कंज्यूमर मार्केट है, देखिए दोस्तों ये 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। ये क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड मार्केट है, ठीक है। पहला वाला कौन सा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, वेयर द कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट लाइक टूथपेस्ट, बिस्किट, फेशियल क्रीम, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम नॉर्मल परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें तो रोज़ लानी पड़ती है, जैसे कि कभी चीनी ख़त्म हो गया, जो तुरंत ख़त्म हो जाने वाला है, विद इन डेज में ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे टूथपेस्ट है, ख़रीदते हैं तो लास्ट तक पूरा, जब तक उसका ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक उसको फिर कट करके भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पता नहीं बड़े बड़े जो लोग हैं उनके यहाँ पर होता होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन इसे कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ठीक है। बिस्किट्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और जैसे चाय पत्ती हो गई, जो तुरंत ख़त्म हो जाने वाला है, और साबुन हो गया, तो साबुन क्या होता है, जब तक एकदम छोटा सा टुकड़ा ना हो जाए तब तक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस सब प्रोडक्ट को कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट।
तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और अगर मैं सर्विस देखूँ तो सर्विस हो गया इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सर्विस हो गया जो मतलब डेली बेसिस पे होता है या वीकली बेसिस पे, ये रोज़ चीज़ यूज़ होती है। तो इसे कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट। तो आप लोगों को तीन चार एग्जाम्पल दे देगा और उसमें ये पूछ सकता है कि ये किस कैटेगरी के मार्केट हैं। समझ में आया? सेकंड जो है वो है ड्यूरेबल मार्केट। इसके अंदर जो कंज्यूमर गुड के अंदर मार्केट आता है, सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन, उसे कहते हैं ड्यूरेबल मार्केट। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट, जैसे कि द कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट ऑफ लॉन्गर लाइफ, लाइक मोटरसाइकिल हो गया, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप एक हफ्ते बाद आपकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई या फिर आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, लंबे समय तक टिकने वाले हैं, इनकी कुछ वारंटी गारंटी होती है और इसे कहते हैं ड्यूरेबल मार्केट। ठीक है, टिकने वाले। अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कवर क्या होता है, कुछ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लाइफ टाइम इंश्योरेंस होता है। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने इंश्योरेंस कराया और फिर एक हफ्ते बाद एक्सपायरी हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो उन जो तुरंत ख़त्म होने वाले प्रोडक्ट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे, उसे कहते हैं फास्ट ड्यूरेबल कंज्यूमर मार्केट। और जो लंबे समय तक टिकने वाली है उसे कहते हैं ड्यूरेबल मार्केट। तो ये हो गया सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक, FD कराते वगैरह कराते होंगे, ठीक है। और जब आपकी अच्छी अच्छी सैलरी आएगी तब आप भी FD कराइएगा अपने नाम का। तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और इवन मैं आप लोगों से ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत हो जा रही है, इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, रात रात 12 बजे तक जग करके नोट्स प्रिपेयर करना होता है, लेक्चर प्रिपेयर करना होता है। तो देखिए इतनी मेहनत है, आप लोगों को भी मेहनत करनी है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। और इतने सारे लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ ताकि आप लोगों का DFCCIL में सिलेक्शन हो। और जिन भी स्टूडेंट का ये सपना रहा है रेलवे से जुड़ने का, वो जुड़ सकते हैं। तो अच्छी पोस्ट ही है, पोस्ट भी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है, तो आपका एक नाम होगा। तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से खूब मन लगा करके पढ़ना है, ठीक है। और कहीं भी आप लोगों को टाइम पास या टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना टाइम आप इधर उधर चीज़ों में लगाते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करिए, और पेन और कॉपी उठा करके पढ़ा करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, रफ़ वर्क जितने आप देखेंगे। एज अ मोटिवेशन के लिए मैं क्या करती थी, जितने भी मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व करती थी, हैबिट मेरा बहुत था क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो पूरा इकट्ठा हो जाता था रफ़ शीट और एक साइड में खाली पेन, बस एक बहुत सारे पेन इकट्ठा होते जाते थे क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो ये एक मेरा मोटिवेशन था, दिखता था कि हाँ ये मेरी मेहनत है और ये मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लेकर के आएगी। तो कभी भी मैं इस चीज़ को फेंकती नहीं थी या फिर कभी भी, हमेशा अपने स्टडी टेबल के आसपास में ही उस चीज़ को रखती थी अपने को मोटिवेट करने के लिए। तो आप लोग भी मोटिवेट हुआ करिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया कंज्यूमर मार्केट, समझ में आया आप लोगों को। सेकेंड आता है इंडस्ट्रियल मार्केट और बिजनेस मार्केट। तो इसमें जो है वो मेनली क्या होता है, देखिए इन दिस मार्केट द इंडस्ट्रियल और बिजनेस बायर परचेज प्रोडक्ट लाइक। तो मेनली ये इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उन पे ये डील कर रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है, आयरन ओर की फॉर एग्जांपल, कोक की, क्रूड ऑयल की, एक्सेट्रा। तो कोई इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल इकट्ठा करना वो परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, कंपोनेंट हो गया जैसे विंड स्क्रीन, टायर्स, पिक्चर ट्यूब, माइक्रोप्रोसेसर। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, जो कि स्कूटर बना रही है या फिर मोटर बाईसाइकिल बना रही है, कार बना रही है। तो ऐसा तो नहीं है उनके पास सारा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, तो रॉ मटेरियल वो परचेज करते हैं दूसरी कंपनी से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे टायर की रिक्वायरमेंट है तो टायर परचेज किए, और मान लीजिए बहुत सारे जो चीज़ होती हैं एक मोटरसाइकिल बनाने के लिए रॉ मटेरियल, उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो परचेज करते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनी है, टीवी बना रही है या फिर कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह है, तो उससे प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे कहते हैं इस टाइप के मार्केट को बिजनेस मार्केट या फिर इंडस्ट्रियल मार्केट। और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि पैकेजिंग मशीन हो गया, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर। ऑफिसेज सप्लाई लाइक कंप्यूटर, पेन, टेबल, एक्सेट्रा। तो जैसे कि मान लीजिए जब आप पोस्टेड होते हैं कहीं पर भी, जैसे आप DFCCIL में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ और आप पोस्टेड हुए, तो वहाँ पर आप लोगों को ऑफिसेज मिलेंगे स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का, मान लीजिए अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव है तो
सिमिलरली अगर जूनियर मैनेजर है तो ऑफिस मिलेगा, तो उसमें क्या होता है और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, स्क्रीन होता है, लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोवाइड की जाती है, पेन होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो फिर ऑर्डर किया जाता है अलग तरीके से, अलग प्राइवेट कोई कंपनी से डील किया जाता है, टेंडर वगैरह निकाला जाता है। तो ये सबको कहते हैं बिजनेस और इंडस्ट्रियल मार्केट। मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम हो सकता है, लाइक ग्रीस हो सकता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हो सकता है, एक्सेट्रा। समझ में आया? तो इस टाइप के एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। इंडस्ट्रियल बार ऑल्सो रिक्वायर अ नंबर ऑफ सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, लीगल सर्विसेज फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ दिस सर्विस। मतलब ये है कि कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं तो उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और बहुत सारे मशीन्स ऐसे होते हैं सिक्योरिटी जो चेक करते हैं, मॉल वगैरह में अभी आप जाते हैं तो ये सब चीज़ें को क्या किया जाता है, ये इंडस्ट्री और मार्केट में एक दूसरे से डीलिंग की जाती है जो भी उस सर्विस को प्रोवाइड करता है, तो इस टाइप के मार्केट को कहते हैं इंडस्ट्रियल मार्केट। फिर अब आ जाता है देखिए थर्ड नंबर पे जो क्लासिफिकेशन है वो है गवर्नमेंट मार्केट। तो गवर्नमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो द बिग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज टू द पीपल। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी क्या है, एक एज अ मार्केट की तरह काम करती है। जैसे मान लीजिए आप गए रेलवे से, आप क्या करते हैं, मान लीजिए सामान का इधर उधर कोई लेकर के जाते हैं, जैसे शिफ्टिंग करते हैं मान लीजिए, तो आपको कोई मोटरसाइकिल बाइक एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करना है, तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट भी तो आखिर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रेलवे के थ्रू, उसके बदले में आप लोगों को पैसे पे करने पड़ रहे हैं। सिमिलरली जैसे कि पोस्ट हो गया, तो इंडियन पोस्ट के थ्रू आप क्या करते हैं, इधर से उधर स्पीड पोस्ट करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो बहुत सारे बहनें अपने भाइयों को राखी सेंड करेंगे, तो ये क्या है, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया गवर्नमेंट मार्केट, समझ में आया? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का सर्विसेज भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं गवर्नमेंट मार्केट। फिर आ जाता है लोकल म्यूनिसिपैलिटी लाइक रोडवेज, पुलिस, सीवेज डिस्पोजल, वाटर सप्लाई। तो जैसे कि मान लीजिए वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, उसके बदले में आप लोगों को चार्जेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, फिर बिजली का बिल हो गया, उसके बाद सीवेज एंड डिस्पोजल्स हो गए, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसे कहते हैं गवर्नमेंट मार्केट। तो हालांकि क्या होता है, प्राइसेस वगैरह कम होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन वो भी एक तरीके का मार्केट है जहाँ पर आप लोगों को पे करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? फिर आता है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लोबल यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ट्रेडिंग होती है, तो इसे कहते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या होता है, ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में अवेलेबल है, वो इंडिया से बाहर जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, और बाहर से कोई चीज़ अंदर आती है तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो इसे कहते हैं ग्लोबल मार्केटिंग। और अगर मैं ग्लोबल मार्केटिंग में देखूँ तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टू लोअर द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, जो टैक्स वगैरह लगते हैं, उसके बाद जो भी ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल, जो डीलिंग होती है, इवन ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी हेल्प करता है। तो इसे जो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा विश्व भर में देखता है ट्रेडिंग को, उसे कहते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, और उसके बारे में भी अभी मैं आप लोगों से अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगी WTO का। ठीक है, तो सेशन को लाइक करते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए, मोटिवेट होइए, खुश रहिए, खुशी बांटिए, और बिल्कुल खुश रह के आप लोगों को पढ़ना है। कोई दुखी नहीं है, कोई एकदम बोझ नहीं है कि बस मेरे सर पर एक बोझ है, बिल्कुल नहीं बोझ। आपको अच्छे से खुशी पढ़ना है, बिल्कुल बिंदास वे में पढ़ना है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर भी और आपके आसपास के लोगों को के अंदर भी। समझ में आया? उसके बाद जो WTO, जैसे हम लोग ग्लोबल मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये क्या था, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और जो सर्विस प्रोवाइडर है आर मूविंग इन डिफरेंट कंट्री टू सस्टेन एंड इंक्रीज देयर सेल्स एंड प्रॉफिट। सही, सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे बहुत सारे मोबाइल ऐसे कंपनीज हैं, तो वो वहाँ से हम लोगों को क्या करना होता है, इम्पोर्ट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो आदान प्रदान होते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो इसे कहते हैं ग्लोबल मार्केट। ऑल दो द ग्लोबल मार्केट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री आर मोर इन नंबर, तो सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्री हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है मार्केटिंग के टर्म्स में। ठीक है, तो जैसे इंडिया हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो लेकिन ये अभी हमारा क्या हो रहा है, ट्रेडिंग भी वास्ट होते जा रहा है,
तो डेवलप्ड कंट्री में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, जैसे कि हम लोग खाते रहते हैं मैकडी, मैकडोनल्ड का बर्गर। तो जब भी आपके मन में ख्याल आया कि बर्गर खाना है, ठीक है, तो आपका मैकडी का हमेशा याद आता है। हालांकि आजकल बर्गर किंग भी आ गया है, लेकिन ये जो बहुत ही लंबे समय तक आ रहा है, एक ब्रांड वैल्यू है इनकी, मैकडी हो गया, KFC हो गया, फोर्ड मोटर्स हो गया, IBM हो गया, सोनी हो गया, सिटी बैंक हो गया। तो ये एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोगों को पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ कभी, तो दिमाग में आप लोगों को सबसे पहले क्या होता है, पिज़्ज़ा, यानी कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा। तो ये एक ब्रांड वैल्यू ये क्रिएट करके रखे हैं मार्केटिंग में, ठीक है, मार्केट में इनकी एक ब्रांड वैल्यू है। जैसे कि पानी प्यास लगा तो तुरंत बिसलेरी याद आता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो मिनरल वाटर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो दिमाग में फीडिंग की गई है वो क्या है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा, मैकडी का बर्गर, बिसलेरी का पानी, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट की जाती है, और डेवलप्ड कंट्री में बहुत सारे ऐसे कंपनी एग्जिस्ट करेंगे। और मैकडी और KFC के बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करूंगी। और KFC का एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है, कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुआ उसके बारे में भी आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद द कंपनी फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री आर ऑल्सो मार्केटिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट इन फॉरेन कंट्री। तो आजकल क्या होता है, जैसे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बाहर में भी ट्रेडिंग कर रही है और वहाँ से बहुत सारे इनकम जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो कुछ एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो आदित्य विक्रा बिरला बिरला ग्रुप, तो नॉर्मली जो आप बिरला ग्रुप सुनते होंगे वो है, जैसे मारुति सुजुकी, इन्फोसिस, इरकॉन हो गया, ये सब हमारी इंडियन बेस्ड कंपनी है जो बाहर में जा करके भी ट्रेडिंग करती है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट विनर कौन है, अल्टीमेट विनर आर द कंज्यूमर हु आर गेटिंग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो सबसे बेस्ट वही है जो एक तो प्रोडक्ट और सर्विस दे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का और ऊपर से अफोर्डेबल प्राइस भी हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, नॉर्मल प्राइस होना चाहिए जो लोगों के लिए, जो आम जनता के लिए अफोर्डेबल हो, लेकिन उसकी क्वालिटी भी साथ ही साथ मेंटेन हो। तो इसे ही कहते हैं हम लोग ग्लोबल मार्केट। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्लासेस कैसा लग रहा है, ठीक है। बस एक बार लेक्चर आप सुनते जाइएगा, जब लेक्चर आप सुनते जाएंगे तो आप लोगों को नॉर्मली MCQs क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ आप अच्छे से सुनिएगा, हो सकता है इस लेक्चर से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, तभी आप लोगों से MCQs क्वेश्चन बनेगा। अगर आप सिर्फ MCQs रटने की कोशिश करेंगे तो उससे बाहर, आप 100 क्वेश्चन रट के गए हैं उससे अगर आपके बाहर आया तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ और CRM में मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है, और 100% ये गारंटी भी देती हूँ कि अगर आप अच्छे से पूरा नोट्स प्रिपेयर करते, लेक्चर देखेंगे 13 के 13 लेक्चर, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे वैसे ही बन जाएंगे। और स्टूडेंट का मेल्स भी आता है, फीडबैक आता है थैंक यू कहने के लिए, और टेस्ट का एनालिसिस भेजते भी हैं, अच्छे अच्छे स्कोर भी आ रहे हैं आप सभी लोगों के, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं और फाइनल में भी आप लोग स्कोर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, यानी जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया है, टेस्ट सीरीज आप लोग दे करके उसको एनालिसिस करिए, ठीक है, समझ में आया। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को, लाइक करिए, और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे कंटेंट प्रिपेयर करने का। अब देखिए आता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया WTO, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया ये इंटरनेशनल ट्रेड को क्या होता है, बिटवीन नेशन ये रेगुलेट करता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेडिंग वगैरह को ये देखता है, यानी कि ये करता धरता है, ये एक गॉड फादर जैसे कह सकते हैं ट्रेडिंग के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर देखिए पूछता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है आप सभी लोगों को मालूम होगा, जिस भी स्टूडेंट को नहीं मालूम है देखिए मैं बता देती हूँ, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और ऐसे ही बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा वगैरह में है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए किस किस का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया। और ये जो कंपनी, ये जो कंपनी तो नहीं कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली देखिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ ऑफिशियली कमेंस्ड फ्रॉम ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1995 में परसुएंट टू 1994 मार्केश एग्रीमेंट, दस रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो देखिए ये जो GATT आप लोग को दिख रहा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे GATT कहते हैं, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में,
ठीक है, शुरुआत यहाँ से हुई थी, लेकिन इसी का जो नया नाम है वो रख दिया गया है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप लोगों से पूछता है कि WTO का ओल्ड नेम क्या था, तो आप GATT कहेंगे, GATT, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1948 में हुआ है, लेकिन मार्केट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो नया नाम है वो रख दिया गया है 1995 फर्स्ट जनवरी को GATT, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना आपको क्लियर होगा। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 164 मेंबर स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन WTO का, इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता होना चाहिए। अगर मैं WTO का डायरेक्टर जनरल की बात करूँ, तो ये स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है, देख लीजिए, NOI करके याद रख लीजिएगा नाम, नोजी ओनकोन्जो, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देख लीजिए, लिख लीजिए, कभी आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, मज़ा आ रहा है आप लोगों को। अब जैसे कि यहाँ पर एक हम टर्म देखे थे, मैं बुक पढ़ रही थी, तो वहाँ ये सब कंपनी के बारे में डिस्कस किया गया था, जैसे कि WTO हो गया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हो गया WTO, MACD हो गया, KFC हो गया, डोमिनोस हो गया, उसके बाद फॉर्ड हो गया, IBM हो गया, तो ये सब कंपनी के बारे में। और ये जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस, उसके बारे में डेफिनेटली आप लोगों से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, KFC का तो सबसे पहले आप लोग प्रोडक्ट तो वैसे ही यूज़ करते होंगे, आजकल तो कोरोना की वजह से शायद ये इतना नहीं चल पा रहा है, लेकिन KFC खुद की एक ब्रांड वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा इसके आउटलेट्स हैं, उसके फ्रेंचाइजीज बहुत लोग लिए हुए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं। और KFC का देखिए, ये आप हमेशा लोगों, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, वेज और नॉन वेज बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आता है, लेकिन इसका जो फर्स्ट जो मेनली मेन प्रोडक्ट है वो है फ्राइड चिकन, तो उसी से इसका नाम हुआ है केंटुकी फ्राइड चिकन, KFC। हो सकता है आप लोग बहुत लोग इसे पसंद भी करते होंगे, और लेकिन कभी ये चीज़ ध्यान नहीं दी होंगी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है केंटुकी फ्राइड चिकन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। और जब भी आप KFC को देखते होंगे, तो ये जो है आपके सामने दिख रहे हैं ओल्ड ग्रैंडफादर जैसे, दादाजी जैसे, एक दाढ़ी है वाइट कलर की और एक फिर टाई लगाए हुए, ये हमेशा इनका फोटो आता है KFC में, और इन्होंने ही इस चीज़ का स्टार्टअप किया है, ठीक है, स्टार्ट किया है KFC को। और ये जो वर्ल्ड के फर्स्ट KFC है वो क्या है, साउथ सॉल्ट लेक उटाह में है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए, इनके बारे में एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी मैं बताना चाहूँगी, इनकी जीवनी बताना चाहूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते होंगे, उनसे आप लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं इनका पहले बता देती हूँ, फाउंड कौन किया था, सैंडर्स इनका नाम जो ये है, इनका नाम जिनका अभी मैं फ़ोटो दिखाई हूँ उनको, इनका नाम है कर्नल हेरलैंड डेविड सैंडर्स, ठीक है। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1890 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 16 दिसंबर 1980 में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक इसके थ्रू एक मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो केंटुकी एक जगह का नाम है, और 1930 में ये KFC आया हुआ था, फर्स्ट फ्रेंचाइजी इसकी 1952 में हुई थी, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों से शो किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट KFC फ्रेंचाइजी, ठीक है, साउथ सॉल्ट लेक उटाह में, ठीक है। अब देखिए, इनके बारे में KFC बहुत सारे लोग आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है आप लोगों को मालूम होगा कि इनकी जीवनी क्या है, कैसे इन्होंने KFC की कंपनी को स्टार्ट किया था। तो देखिए, ये जो सैंडर नाम के व्यक्ति थे, जिनका फोटो आप स्क्रीन में भी आप देख पा रहे हैं, तो ये जब 6 साल के थे, ठीक है, 6 साल के थे, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के इंडियाना नामक जगह में हुआ था, और जब ये 6 साल के थे, मात्र 6 साल के थे, तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, फादर इनके एक्सपायर हो गए थे, और इनके ये सबसे जो बड़े बेटे थे इनके, और उनके और भी भाई बहन थे इनसे छोटे छोटे, ठीक है, तो घर में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो उसकी वजह से इनकी माताजी को काम करना, और वो एक टमाटो कंपनी में काम करती थी, सुबह से लेकर के शाम तक जाती थी, काम करती थी, तो ऐसे दिनचर्या चल रहा था, और जो भाई बहन इनके छोटे छोटे थे, तो उनका इनको देख रेख करना होता था, उनको खाना बना करके देना होता था, तो ये सब चीज़ों में क्या होता था, 1 साल ऐसा गुजरता गया, और जब उनकी 7 साल उम्र हो गई, मतलब 1 साल हो गया करीबन, तो अब ये चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कि पैसा की ज़रूरत भी है इनको,
पढ़ाई भी करनी है, इनको देख रेख भी करना है, तो ये सब चीज़ें वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ाई को ड्रॉप आउट करना पड़ा, स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, स्कूल को छोड़ने के बाद उन्होंने क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे काम किए, उसके बाद फिर सिर्फ खेतों में काम किया उन्होंने, उससे गुजारा नहीं हो पाया, तो उसके बाद इन्होंने जो घोड़े गाड़ी वगैरह रहते हैं उसमें उन्होंने पेंटिंग का काम शुरू किया। ठीक है, पेंटिंग का काम शुरू किया, फिर बहुत सारे ऐसा ऐसा इनका दिन चलता रहा। लेकिन इससे फिर उन्होंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई वढ़ाई की, और फिर यूएस आर्मी में ये भर्ती होना चाहते थे, यूएस आर्मी अमेरिकन आर्मी में ये भर्ती होना चाहते थे, तो इन्होंने जो अपने सर्टिफिकेट्स थे उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया था, 16 साल की उम्र उनकी थी, लेकिन उसको उन्होंने मॉडिफाई करके ये यूएस आर्मी में जाना चाहते थे। ये जो दिख रहे हैं सैंडर नाम के व्यक्ति, वो जो KFC के क्या है, फाउंडर हैं। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्हें डॉक्यूमेंट वगैरह पता चल गया कि ये फेक है, तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, रेलवे में फिर मजदूरी का काम किया। ठीक है, रेलवे में मजदूरी का काम किया, फिर वहाँ से किसी भी तरीका से उनको जो एम्प्लॉय थे उनसे बहस वहस हुआ, तो वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद उनको क्या हुआ, फिर इन्होंने क्या किया, अपना लॉ की पढ़ाई कंटिन्यू की थी। ठीक है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सब क्या चीज़ें, एक्चुअली ये रियल फैक्ट है, इनकी जीवनी है, और हमेशा आप लोगों को जिससे भी इंस्पायर होते हैं उनकी जीवनी आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके तरीके ये लॉ की पढ़ाई अपना शुरू किए, लॉ कंप्लीट किए, फिर उन्होंने केस वेस, एक लीगल केस में था, तो लीगल केस वो लड़े, और थोड़ा बहुत बहसबाजी और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, लीगल केस में झगड़े और फाइट की वजह से वहाँ से भी उनका लीगल करियर ख़राब हो चुका था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, वापस अपनी मदर के पास उन्होंने चले गए, और फिर उन्होंने कहा कि मतलब जो उनकी माँ थी उनसे कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ों में फेल हो रहा हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, तो उन्होंने हार नहीं माना, और 1920 में उन्होंने फिर एक नाव बनाने की कंपनी शुरू की, नाव बनाना शुरू किया। उसके बाद वो कंपनी भी डूब गई, फिर नहीं, नाव बनाने की कंपनी उन्होंने शुरू किया, और उसके बाद क्या हुआ, इससे थोड़ा बहुत पैसा जो आने लगा वो एक केमिकल लैम्प की फैक्ट्री उन्होंने शुरुआत की। तो देखिए कहाँ से कहाँ आ गए, पता नहीं, समझ नहीं आया उन्होंने, तो जो जो मिल रहा था वो उन्होंने वो शुरू कर दिया। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी जो केमिकल लैम्प की कंपनी थी, वो कंपनी को देख करके इन्हें ये पता लग गया कि नहीं, मैं कहीं भी इस कंपनी के आगे टिक नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते करते इनके दिन बीतते गए। जब इनकी 40 साल उम्र हो गई, तो वहाँ पर उन्होंने एक फ्यूल पंप में काम करना शुरू किया। ठीक है, फ्यूल पंप में पेट्रोल डालने का काम शुरू किया, और कुछ रिसेशन उस समय चल रहा था, तो रिसेशन की वजह से, इनकी बदकिस्मती कहें या जो भी है, वो कंपनी भी बंद हो गई, वो पेट्रोल पंप ही बंद हो गया। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एक सर्विस स्टेशन में काम करना शुरू किया, मौका मिला उन्हें इन्हें काम करने का, तो वहाँ पर भी उन्होंने काम किया थोड़े दिन, लेकिन उनसे ये पता चल गया कि इतने से इनका गुजारा तो नहीं हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये जो सैंडराम के व्यक्ति थे जो KFC के आविष्कार किया इन्होंने, तो वहाँ पर उसके जो सर्विस स्टेशन के बाहर में वो एक स्टॉल लगाना शुरू किए। ठीक है, और वहाँ पर ये बेचते थे अपना, क्योंकि कुकिंग इनका शौक था, उनका पैशन था, तो उस पैशन को ये फॉलो किए, और 40 साल की उम्र में इन्होंने ये स्टार्ट किया, और फ्राइड चिकन वो वहाँ पर बनाना शुरू किए, तो बहुत ही लोगों को पसंद आने लगा, थोड़ा बहुत जो बनाते थे फ्री में लोगों को सर्विस देना शुरू किए इन्होंने। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वहाँ के जो गवर्नर थे वो आसपास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इनका फ्राइड चिकन को टेस्ट किया, और उन्हें बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार लगा, टेस्ट उनको एकदम भा गया। तो ऐसे ही लोगों को टेस्ट का पता चलते गया, तो वहाँ से जो इनके जो गवर्नर थे, इनका जो नाम था वो केंटकी कर्नल रख दिए इसका KFC का नाम। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी 40 साल की उम्र में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला जहाँ पर ये फ्राइड चिकन देते थे, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक होता था, 11 हर्ब्स से मिल करके ये कुछ इनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते थे। तो इस तरीके से वो उन्होंने एक छोटे से रेस्टोरेंट की शुरुआत की, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 साल में ये भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉय वगैरह में झगड़ा वगड़ा होने की वजह से ये 4 साल में बंद हो गया था इनका रेस्टोरेंट। अब ये बेहद परेशान, बेहद बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने उसके बाद क्या किया, जब ये रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो 140 सीटों वाली एक रेस्टोरेंट इन्होंने शुरुआत की, और वहाँ पर ये जो KFC वगैरह का जो चिकन मिलता है वो सब उन्होंने देना शुरू किया। तो लोगों को बहुत पसंद आया, मन अच्छा लगने लगा, लेकिन उस समय भी इनकी देखिए बदकिस्मती ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था,
और फिर ये सारा कुछ नहस तहस हो नहस नहस तहस नहस हो गया, यहाँ पर भी ये फेल्ड हो गए। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान, अब क्या करें, इतना अच्छा खासा रेस्टोरेंट खोले थे, सब कुछ डूब गया, सारी मेहनत और सारे सब कुछ डूब गया, लेकिन ये हार नहीं माने। देखिए फिर ये क्या किए, ये फिर शुरू इन्होंने क्या किया कि बहुत जो रेस्टोरेंट आसपास के होटल्स थे रेस्टोरेंट में, उनसे ये कोशिश किए ट्राई करें कि इनका जो फ्राइड चिकन है कहीं आसपास में कोई एक्सेप्ट कर ले और वहाँ पर ये देना शुरू कर दे, सप्लाई देना शुरू कर दे, लेकिन ये भी काम नहीं आया। बहुत इन्होंने कोशिश किया तो 1009 बार इनकी रेसिपी रिजेक्ट की गई। सोचिए 1009 बार इनकी रेसिपी रिजेक्ट की गई, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने फेलियर इनके लाइफ में आए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ऐसा ही करते 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 एक दिन एक बड़े रेस्टोरेंट ने इनका अप्रूवल एक्सेप्ट किया और ये KFC को इन्होंने दुनिया जो आसपास की जो होटल्स में फिर वो सप्लाई देना शुरू की और अपने एक ब्रांड वैल्यू बनाने में इन्होंने अब ध्यान देते गए और इतनी मेहनत की है, इन्होंने इतनी मेहनत की है कि रात रात भर ये सब चीज़ें पे ध्यान देते थे, ब्रांड वैल्यू बनाने में लगे थे। इनके पास इतना भी समय नहीं था कि अपने घर में जा सके, अपने कार के ही बैक सीट में सो जाया करते थे। तो ये इनकी कुछ स्टोरी है, ठीक है। और ऐसा करते करते उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू बनाया KFC, जिसका नाम है केंटुकी फ्राइड चिकन, और ये ब्रांड वैल्यू बनती गई। और इन 1964 तक आते आते इनकी करीबन 600 ब्रांचें ऑल ओवर इंडिया में, अमेरिका, जमाइका, बहुत सारे ऐसे देशों में 600 ब्रांचें ओपन होने लगी, ठीक है। और उसके बाद 1969 में अगर देखेंगे, बेहद 1964 से 1969 पाँच सालों में करीबन जो नेशनल नहीं, नॉर्वे का स्टॉक एक्सचेंज था वहाँ पर इनका नाम मशहूर होने लगा, गूंजने लगा इन्हीं का नाम, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे 3500 ब्रांचें करते करते इन्होंने 16 दिसंबर 1980 को ये सेंडर जो थे वो 90 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया और उस समय 6000 ब्रांचें इनकी एक्सपेंड हो गई थी। तो सोचिए 6000 प्लस ब्रांड एक्सपेंड हो गई थी। और अगर एज ऑफ 2019 का डेटा देखें तो 2400 आउटलेट इनके हैं KFC के ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इतने सारे फेलियर्स के बाद इन्होंने हार नहीं माना, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1952 में इनका फर्स्ट फ्रेंचाइजी आई थी सॉल्ट लेक सिटी में। इवन हर जगह पे इनका 24,000 प्लस ही आउटलेट होंगे। तो देखिए बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। और इनका हमेशा आप देखेंगे ब्रांड KFC और इनका एक छोटा सा ये ऐसा लोगो रहता है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता रहता है कि मैम बहुत बार फेल हो रहा हूँ या बहुत बार फेल हो रही हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चाहे आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी जॉब के लिए, तो हार आपको नहीं मानना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपको वो ड्रीम और वो आपका गोल और सपना ना पूरा हो जाए। तो इनसे इनकी कहानी हमें सुननी चाहिए और जो भी आप जिन्हें भी पसंद करते हैं उनकी कहानी में कुछ ना कुछ ज़रूर मोटिवेशनल होगा। तो ये भी मेरे लिए भी एज अ मोटिवेशन था, मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो KFC के बारे में एटलीस्ट आप लोगों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए। देख लीजिए इनका जो फाउंडर थे वो हेरनाल्ड डेविड सैंडर्स नाम के व्यक्ति थे जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन में, और CEO अगर आपसे पूछता और प्रेसिडेंट तो टोनी लोइंग्स हैं, ठीक है, समझ में आया। और 1940 में जब इन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की, तो वहाँ पर इन्होंने सैंडर्स फाइनलाइज्ड व्हाट केम टू बी नोन एज द ओरिजिनल रेसिपी ऑफ 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो बहुत सारे ऐसे 11 हर्ब्स और स्पाइसेस डाल करके वो फ्राइड चिकन बनाते थे और बहुत ही अच्छा, मज़ेदार, शानदार इसका टेस्ट होता है। अगर आप कोई नॉन वेजिटेरियन होंगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें ट्राई किए होंगे। और खैर वेजिटेरियन लोगों के लिए भी KFC में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये सब चीज़ें एक एज अ मोटिवेशनल लीजिए, ठीक है। कहानी में आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताना चाहती थी इनके बारे में क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन है हमारे सबके लिए। फिर आता है मैकडी, और मैकडी का बर्गर आप लोग जानते ही है, ये अमेरिका की फास्ट फूड कंपनी है, 1940 में आई थी और एज अ रेस्टोरेंट, और इनका जो फाउंडर थे वो रिचर्ड एंड मैरियस मैकडोनल्ड, तो इन्हीं के नाम से मैकडी आया हुआ है। कैलिफोर्निया US में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर की पीपल देख लीजिए, चेयरमैन आज के डेट में जो है वो ये है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको एक बार एटलीस्ट देख करके ज़रूर जाना है नाम, ताकि आप अगर आप तुक्का मारना चाहें तो आप तुक्का
लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैकडी का बर्गर, आप जानते ही होंगे ये इसका लोगो है, तो एम करके, और इसके भी बहुत सारे आउटलेट्स और बहुत सारे ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इनका प्रोडक्ट का क्वालिटी हमेशा इनको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आने वाले ज़माने में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर हैं, और ऑलरेडी आप देखते हैं बर्गर किंग इनके कॉम्पिटिटर हैं, सबवे हैं, तो ये सारी कंपनी है, इसे ही कहते हैं हम, जितने जो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को चेक करते हैं, कस्टमर की डिलाइट को देखते हैं, तो ये सब चीज़ों को कहते हैं देखिए मार्केटिंग, पूरे ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था आदित्य बिरला ग्रुप, तो आदित्य बिरला ग्रुप का ये आप लोगों ने देखे होंगे ज़रूर, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर देखे होंगे, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी हमारे आसपास ही है जो आदित्य बिरला ग्रुप की है, और इस टाइप से ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये जो पर्सन है ये है सीई चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के एट प्रेजेंट में, कुमार मंगलम बिरला इनका नाम है, तो फोटो आप देख लीजिए, कभी आपसे पूछता है कि चेयरमैन कौन है आदित्य बिरला ग्रुप के, तो कुमार मंगलम बिरला एट प्रेजेंट में चेयरमैन है। ठीक है, और जो आदित्य बिरला ग्रुप है जैसे कि आप सब जानते होंगे बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सिडरीज हैं। ठीक है, जैसे कि बिरला कार्बन, आदित्य बिरला मिनरल्स आता है, केमिकल्स आता है, फैब्रिकर आता है, उसके बाद हिंडाल्को का नाम आपने सुना होगा, हिंडाल्को आ गया, ग्रासिम के कपड़ेज आते हैं, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक का सीमेंट आता है जैसे कि आपको पता है, ये वोडाफोन आइडिया, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, तो ये सारे आदित्य बिरला ग्रुप के ही सब्सिडरीज या फिर प्रोडक्ट आप समझ लीजिए। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सारे प्रोडक्ट हैं और ये कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं एरियल टाइड और गेन किसके प्रोडक्ट हैं, तो पीएनजी के थे, सिमिलरली इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देख लीजिए ये दो जो इमेज है वो है घनश्याम दास बिरला जी के फाउंडर और आदित्य विक्रम बिरला, तो इसका कोई इंटेंशन नहीं था, सिर्फ आप लोगों को दिखाना था कि ये पर्सन इससे इन्वॉल्व हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं जो इसके प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ आप लोगों के आदित्य बिरला ग्रुप के, हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारे का आप नाम जानते होंगे, लेकिन ये कभी महसूस नहीं किए होंगे आप लोग कि ये आदित्य बिरला ग्रुप के ही प्रोडक्ट है, जैसे एलन सोली हो गया सब्सिडरीज हैं, अमेरिकन ईगल, एक्वा आर्मर, बिरला बलवान, तो ये सब आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बिरला वाइट हम लोग सुने होंगे, बिरला मॉडल हो गया, तो ये आप स्क्रीन में देखिए, और एक एक जो आप नाम जानते हैं फॉरएवर 21 जैसे आप जानते हैं, तो ये सारे जो ब्रांड है वो बिरला ग्रुप के ही हैं, और लीलैंड क्लब आप जानते होंगे, पेंटालून आपने बहुत सुना होगा लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिए होंगे कि आदित्य बिरला ग्रुप का है, और ये फैशन स्टोर के मामले में बहुत ही बड़ी कंपनी है, पीटर इंग्लैंड का आप लोग पैंट शर्ट पहनते होंगे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, तो ये सारे आदित्य बिरला ग्रुप के ही हैं। वैन हुसैन का कपड़े अच्छे अच्छे आते हैं, वो हो गया, अल्ट्राटेक का सीमेंट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, द इंजीनियर्स चॉइस, ठीक है, तो अल्ट्राटेक इसके नीचे लिखा हुआ है इंजीनियर चॉइस, तो ये सारे जो ब्रांड आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे कि एटलीस्ट आप लोगों को मेन याद रखना है, पेंटालून हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, लिनन क्लब हो गया, वैन हुसैन हो गया, एलन सोली हो गया, तो जो नॉर्मली हम पहनते हैं लुइस फिलिप का हो गया, ये सारे आदित्य बिरला ग्रुप के ही ब्रांड्स हैं, समझ में आया, तो ये हो गया आप लोगों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताना चाह रही थी। उसके बाद जो फिफ्थ मार्केट है वो नॉन प्रॉफिट मार्केट है, और नॉन प्रॉफिट मार्केट के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, जो एनजीओज होते हैं मेनली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो मेनली ये क्या करते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट अ इशू और चैरिटी वगैरह होते हैं, चैरिटी बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कंजर्वेशन की बात करूँ फ्लोरा एंड फौना में, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सब क्या है, एक एनजीओज हैं, और इससे रिलेटेड कौन से पर्सन इन्वॉल्व है आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करिए कि आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज होम है, फ्री डिस्पेंसरी है, फ्री एजुकेशन है, तो ये सब भी क्या है, ये भी एक तरीके का मार्केट है, इन्हें भी तो आखिर डोनेशन पैसा कहीं ना कहीं से चाहिए। ठीक है, तो ये प्रमोट करते हैं, और उसके बाद क्या है, ये मॉनेटरी सपोर्ट इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन चैरिटी डोनेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, जिसे हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट मार्केट, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है।
उसके बाद और भी बहुत सारे सिंपल से भाषा में मैं बात करूं तो देखिए ग्रेन मंडी, अनाज मंडी हो गया, वेजिटेबल फ्रूट मार्केट हो गया, फिश मार्केट हो गया, मछली मार्केट हो गया। तो कई बार हम पढ़ते रहते थे कोचिंग सेंटर में या फिर स्कूल में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला शोर मचती थी, तो हमेशा टीचर कहते थे फिश मार्केट। ठीक है, तो पॉलिटिकल मार्केट है, कंप्राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट हो सकते हैं जहां आदान प्रदान की जाती है। समझ में आया? तो ये पांच टाइप के मार्केट है, क्वेश्चन आप लोगों से कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए नीड, वॉन्ट्स एंड डिमांड। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि नीड, वॉन्ट्स, डिमांड सब कुछ एक ही चीज़ है। ठीक है, ज़रूरत अगर हिंदी में देखा जाए तो ज़रूरत है, लेकिन देखिए नीड क्या है। अगर मैं नीड की बात करूँ तो नीड जैसे कि बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नॉर्मल आप देखे होंगे रोटी कपड़ा और मकान सुने होंगे। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। लेकिन आजकल के ज़माने में ज़िंदा रहने के अलावा, जो नॉर्मल रोटी कपड़ा और मकान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो हमें कुछ रिक्रिएशन के लिए भी चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए, मूवीज़ देखना है, थिएटर्स जाना है, और उसके बाद पार्क जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग नीड हो जाता है ये सब चीज़ों का, तो वो नीड जो है वो वांट में बदल जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीड डिस्क्राइब द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट, पीपल नीड फूड, एयर, वाटर, क्लॉथिंग एंड शेल्टर टू सर्वाइव, रोटी कपड़ा और मकान, बट पीपल ऑल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग नीड फॉर रिक्रिएशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। तो यही जो नीड है वो वांट बनते जाता है। ठीक है, दिस नीड्स बिकम वांट व्हेन दे आर डायरेक्टेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट माइट सेटिस्फाई द नीड। समझ में आया? जैसे अगर मैं इंडियन की बात करूँ तो इंडियन नीड फूड बट वांट्स राइस, चपाती, वेजिटेबल, दाल, और उसके अलावा फिर अगर मान लीजिए बहुत सारी ज़रूरत हो गया, अब इसके अलावा और भी चीज़ें खानी है, मैगी नूडल्स खाना है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों की ऐसे जो बढ़ते जाता है इच्छाएँ, तो वो नीड हमेशा वांट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर पर्सन है कोई मॉरिशियस का, इट नीड्स फूड बट वांट्स अ मैंगो, राइस, दाल, चपाती, बीन्स, मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, तो ये सारे नीड वांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? तो आप लोग को डेफिनेशन कैसे भी पूछ सकता है। तो वांट्स आर द शेप्ड बाय वन सोसाइटी, तो जहाँ के लोग का रहन सहन के हिसाब से वहाँ का खान पान हो जाता है, इसे कहते हैं फिर वांट्स। अब आप सोच रहे होंगे फिर डिमांड क्या है मैम, डिमांड क्या है? डिमांड कुछ नहीं है, एक बड़ा रूप ले लेता है जब कंफर्ट जोन में हम देख चले जाते हैं। मान लीजिए बैठने के लिए एक चेयर बैठने के लिए ठीक ठाक, लेकिन आपको एक लग्जरियस सोफ़ा की ज़रूरत है, कार की ज़रूरत है, फ्रिज की ज़रूरत है, एसीज की ज़रूरत है, जो लग्जरी है, जो कंफर्ट के लिए हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, जब मियाँ बीवी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, तो मुझे कार चाहिए, मुझे एसी चाहिए, तो हस्बैंड क्या बोलते हैं, तुम्हारी डिमांड बढ़ते हुए जा रही है। ठीक है, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं तुम्हारी तो डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी वांट और नीड बढ़ती जा रही है। डिमांड क्या है, हमेशा एक जोन, कम्फर्ट जोन में आ जाने को कहते हैं डिमांड। ठीक है, समझ में आया? सो डिमांड आर अ वांट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेक बाय एबिलिटी टू पे। मैनी पीपल वॉन्ट अ बिग एंड ब्यूटिफुल हाउस बट ओनली अ फ्यू आर एबल एंड विलिंग टू बाई वन। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, बहुत रहने के लिए छोटा सा घर भी काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने एबिलिटी के हिसाब से वो डिमांड, नीड वांट में चेंज होता है, और वांट क्या है, फिर डिमांड में चेंज होता है। समझ में आया? आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। और यहाँ पर दो टर्म लिखा हुआ है, मार्केटिंग मैंने समझा दिया है, मार्केटिंग ऑफर। तो मार्केटिंग क्या है, देख लीजिए, अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप वांट ग्रुप ऑब्टेन्ड व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यूज विद अदर। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर आप लोगों से पूछता है तो आप इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिए। अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन्ड व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यूज विद अदर। सीधी सी बात है, प्रोडक्ट या फिर वैल्यूज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, सर्विस उसके बदले में आपको प्रोडक्ट, सर्विस या फिर एक्सपीरियंस मिलता है, और उसके बदले में आप पैसे पे करते हैं। मार्केटिंग ऑफर क्या है, सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस ऑफर टू अ मार्केटिंग टू सेटिस्फाई अ नीड और वॉन्ट। ठीक है, वही चीज़ बता रहा है, एक्सपीरियंस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं, और आपको क्या मिल रहा है, नीड और आपके वांट सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, इसको कहते हैं मार्केटिंग ऑफर।
ठीक है। अब ये कोर मार्केटिंग कंसेप्ट में आप लोग को ये डायग्राम जरूर दिख पा रहा है। तो यहाँ पर नीड, वांट एंड डिमांड, ये क्या हुए, ये नीड जनरेट हुआ, उसके बाद वो वांट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वो डिमांड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आप लोगों को मार्केटिंग ऑफर की ज़रूरत पड़ती गई, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गया। जब आप ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिए तो उसके बाद वैल्यू और सेटिस्फेक्शन की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन, रिलेशनशिप, फिर क्या होगा, अगर एक बार प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लिए हैं तो उसका फिर से आदान प्रदान होगा, ट्रांजैक्शन होगा, एक कंपनी और एक बायर के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट होगा, और फिर आता है हमारा मार्केट क्रिएट होगा। तो यहीं से फिर क्या होता है, मार्केट क्रिएट होगा, फिर से क्या होगा, ये एक प्रोसेस रिसाइकल हो रहा है। तो बार बार आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मार्केट में फिर कैश का फ्लो होते जा रहा है। तो इसे कहते हैं कोर मार्केटिंग कंसेप्ट। समझ में आया आप सभी लोगों को, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ तक मैंने डिस्कस किया कोर मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो नीड, वांट, डिमांड वगैरह मैंने सब कुछ समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, सर्विस एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, फिर वैल्यू, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ों को मैं फिर डिटेल में बात करूँगी। और देखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है जब आप अच्छे से लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे तरीके से, कोर मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस की, टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने डिस्कस किया, कंपनी के बारे में मैंने बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और भी बहुत सारे मैं लेक्चर लेकर के आऊँगी, फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।